घातक जो वातक ये सब, हम जैसे अब बन गए सब लोग घातक जो वातक ये सब। अरे देखो नहीं, एट द एंड सब गुस्से में करते हैं ना, तो लास्ट में तो दोस्ती करेंगे ही ना, और फिर आपस में जनता को नहीं लड़ना चाहिए। ए, सोल के फैंस और गॉडल के फैंस और टीएक्स के फैंस आपस में भाई लड़ते ही रहते हैं ये लोग। फैंस को तो लड़ना नहीं गंदगी चाहिए भाई। रे, फैंस को तो समझना चाहिए। सोल एलिमिनेट होगी तो गॉडल और टीएक्स वाले हंस रहे हैं, टीएक्स होगी गॉडल वाले सोल वाले हंस ये रहे बहुत हैं। गलत टॉक्सिसिटी इंडियन ऑडियंस में, पता है। देखो वही फन तो में बोल रहा ट्रॉलिंग हूँ, अलग होता है, वो बहुत पर्सनल पहुंच जाते हैं भाई, पता है। वही जबकि तुम तो। इंडिया की ऑडियंस हो, ठीक है भाई, तुमको तुम जिस टीम के फैन हो वो मर गई तो उसके लिए एंटी स्पैम कर दो भाई, अरे उसके लिए हर्ट इतने स्पैम कर चूतिया दो। बंदे हैं, इतने और ये चूतिया मरने के बाद बंदे दूसरे को हैं, गाली क्यों देनी, इतने चूतिया बंदे हैं कि पीएमजीसी में #15 की होप कर रहे थे समझा। लोग हैं कि पीएमजीसी में #16 कह रहे थे टीएक्स के फैंस, मॉडल #16 रहेगी, ये हाँ रहेगी यार, वो तुम रहेगी। भाई तुम वहां पहुंचो, माँ के बेटो तुम पहुंच के खेलो, तुम साले #16 क्या तुम पहुंच ही नहीं पाओगे। और भाई वो सुनो, बीजा देखो के तक वैसे नहीं पहुंचे। लॉजिकली कहा जाए तो टीएक्स उस वाले पीएमजीसी में नहीं पहुंची तो उनका हक नहीं बनता बोलने का, उसके सही फैंस बात की है। ये सब वो बोले नहीं। टीएक्स वाले बोलेंगे कि भाई नहीं, हाँ हम नहीं पहुंचे, अगर हम होते तो ये कर देते, ऐसा नहीं है। वो तो एकदम क्वालिफिकेशन सिस्टम से लोग गए ना, मान लो 1 2 3 4 वालों के पास पासपोर्ट नहीं था, बट वो आए तो थे ना 1 2 3 4। अब ऐसे थोड़ी आप बोलोगे कि नहीं जो 1 2 3 4 आए वो चोमू है, हम अच्छे हैं, ऐसा नहीं होता है ना।